हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में सेकेंड यूनिट। आज आपकी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ी थी यूनिट वन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट टू। लेकिन यूनिट टू स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने यूनिट वन में क्या क्या पढ़ा था। ठीक, यूनिट वन थी आपकी साइजेस, साइज की मायने थी आकार यानी जिसामत, शेप्स यानी आकृति शक्ल, लेंथ लंबाई, पोजिशंस स्थिति या जगह, ये था आपका यूनिट वन का नाम। और इसके अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक था बिग एंड स्मॉल। बिग मैंने आपको बताया था, बिग मीन्स होता है बड़ा, स्मॉल मीन्स होता है छोटा। और आपकी नेक्स्ट हेडिंग थी लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग की मीनिंग मैंने आपको बताई थी लंबा, और शॉर्ट की मीनिंग बताई थी छोटा। उसके बाद जो हमने किया था टॉपिक वो था टॉल एंड शॉर्ट। टॉल की मीनिंग भी लंबा थी और शॉर्ट की मीनिंग थी छोटा। अब मैंने आपको दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि जो लॉन्ग होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है यानी कि लेटा हुआ होता है, लेकिन जो टॉल होता है वो वर्टिकल होता है यानी खड़ा हुआ होता है, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड टॉल और दिस इज कॉल्ड लॉन्ग। नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी मोर एंड लेस। मोर की मीनिंग थी ज़्यादा और लेस की मीनिंग थी कम। इसके बाद जो हमने किया था वो था टॉपिक हैवियर एंड लाइटर। हैवियर मीन्स भारी एंड लाइटर मीन्स हल्का। हैवियर बना था हैवी से और हैवी की मीनिंग होती है भारी। लाइटर बना था लाइट से, लाइट की मीनिंग होती है हल्का। नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी थिकर एंड थिनर। मैंने आपको बताया था थिक की मीनिंग होती है गाढ़ा, लेकिन यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है मोटे के लिए। थिक मीन्स मोटा और थिन मीन्स पतला। ठीक, थिक मीन्स गाढ़ा होता है, यहाँ पर मोटे के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर थिक की मीनिंग है मोटा और थिन की मीनिंग है पतला। उसके बाद हमने किया था नियर एंड फार। नियर मीन्स होता है पास यानी करीब, फार की मीनिंग होता है दूर। उसके बाद की हेडिंग थी हमारी ऑड वन आउट। इसके अंदर क्या करना था आपको, सेम चीज़ में से जो चीज़ डिफरेंट थी, जैसे कि यहाँ पर ये वाली पिक्चर डिफरेंट थी, आपको उसे क्रॉस करना था। ठीक, ऑड यानी जो चीज़ें सब चीज़ों से जो हटकर हो यानी अलग हो, जैसे कि आपको फर्स्ट लाइन में भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया था, इसको टू पेजेस में दिया गया था। यस, ये देखिए दोनों शीट्स में आपका ऑड वन आउट का था, और फिर यहाँ पर ये वाला आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट चैप्टर था, ये फिनिश हो गया था। ओके क्लास, दिस इज योर यूनिट सेकंड नेम्ड नंबर्स। आपकी सेकंड यूनिट का नाम है नंबर्स। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और मैं आपको बता दूँ कि नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अंक, संख्या, और उर्दू में बोलते हैं अदद। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसका इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टार्टिंग की इन्होंने 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स की। ठीक, 1, 2, 9। फर्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर है बॉल। बॉल कितनी है यहाँ पर, 1 बॉल। यहाँ पर 1 कीबोर्ड है, यहाँ पर 1 हैंड में 1 फिंगर शो हो रही है। ठीक, और जो ये तीनों ही चीज़ें 1, 1, 1 हैं, तो 1 को जब हम लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका है ये। और अगर हम इसकी बात करें नाम की, इसके नेम की स्पेलिंग की, तो इसकी स्पेलिंग होती है O-N-E-1। 1 मीन्स होता है एक, कोई भी चीज़ जिसका अदद एक हो, जैसे कि मेरे हाथ में ये एक पेंसिल है। ठीक, अब बात है नेक्स्ट नंबर की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 1 के अलावा एक और बॉल है, यानी कि 1, 2 बॉल्स हैं यहाँ पर। इसी तरीके से 2 कीबोर्ड्स हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर अब उस 1 हैंड की 2 फिंगर्स हो गई। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ 2 शो करनी होती है, तो हम उसके लिए इस वाली डिजिट का, इस वाले नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी स्पेलिंग होती है TWO2। चलिए आप लोग रिवाइज करिए मेरे साथ, O-N-E-1 TWO2। नेक्स्ट इज 1, 2, 3। यहाँ पर 3 बेल्स हैं, दिख रहे हैं आपको, और यहाँ साथ में है 3 फोन्स। ठीक, 1, 2, 3, और यहाँ पर हैंड की फिंगर्स भी 3 हो गई, देखिए ये रही 1, 2, 3। और जब भी हमें किसी चीज़ के 3 को शो करना होता है कि वो चीज़ 3 है, तो हम उसके लिए इस डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी स्पेलिंग होती है THREE, THREE। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो 4 हैं। इस वाले रो में देखिए 1, 2, 3, 4। आगे देखते हैं 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर फिंगर्स भी 4 शो हो रही हैं, 1, 2, 3, 4। जब भी हमें किसी चीज़ के 4 होने को लिखना होता है कि ये चीज़ 4 है, तो उसके लिए हम इस वाली डिजिट का इस्तेमाल करते हैं 4 का, और इसकी स्पेलिंग होती है, आप सब रिवाइज करेंगे मेरे साथ, F
4 4, ठीक, 4 सीजर्स, 4 स्टार्स, 4 फिंगर्स। और लिखेंगे कैसे इसको, इस तरीके से। और इसका नाम जो है, इसकी स्पेलिंग है वो ये है, FOUR4। अब नेक्स्ट पिक्चर है आपके, यहाँ पर देखिए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। और अगर हम फिंगर्स की बात करें तो वो भी पूरी 5 हैं। देखिए यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब भी हमें किसी चीज़ के 5 होने का लिखना होता है, बताना होता है, तो हम उसको इस डिजिट के थ्रू बताते हैं, शो करते हैं, ठीक। और उसकी स्पेलिंग होती है FIVE5, FIVE5, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं 6 1 2 3 4 5 6, 6 बेल्स हैं, 6 मून स्टार्स हैं, और यहाँ पर 6 ही फिंगर्स हैं। 5 तो इस वाले हैंड की हो गई, और एक और उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएंगी 5 एंड 6। और जब भी हमें किसी भी नंबर, किसी भी ऑब्जेक्ट का 6 होने को शो करना होता है, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। और उसकी स्पेलिंग होती है, यानी उसका नाम होता है SIX6, ठीक है। आप लोग पढ़िए मेरे साथ, SIX6। इसके नीचे देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने ये नंबर्स लिख दिए हैं ऊपर, और आपको इसके ऊपर ओवरराइट करना है जो डॉटेड एरिया है। मैंने देखिए ये 1 को ओवरराइट किया हुआ है, प्यारा प्यारा सा। आप भी ऐसे पूरे 1 to 6 डिजिट्स तक ओवरराइट करेंगे। चलिए एक बार मेरे साथ रीड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर हैं, काउंट करते हैं, यहाँ पर ये कैंडल स्टैंड्स हैं, और यहाँ पर कैंडल्स हैं, यहाँ पर फिंगर्स हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो 7 है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरीके से फिंगर्स भी देखिए, 5 फिंगर्स हुई रही वन हैंड की, 5 के बाद 6 एंड 7। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट के 7 होने को शो करना होता है, तो हम उसके लिए इस डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी स्पेलिंग होती है, आप सब मेरे साथ रिवाइज करेंगे, SEVEN7, के इस तरीके से 7 को लिखते हैं। और ये उसके नेम, उसके नेम की स्पेलिंग है ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बर्ड्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बर्ड्स हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हैं। और यहाँ फिंगर्स देखिए, 5 के बाद 6 7 8, टोटल फिंगर्स भी 8 हैं। तो जब हमें किसी भी चीज़ के 8 होने को शो करना होता है, तो वहाँ पर हम 8 को इस तरीके से लिखते हैं, इस डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है 8 के लिए। और 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT8। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर हैं ये फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स, इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 फ्लावर्स हैं, 9 ही वुमेन्स हैं, वुमेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वुमेन, 9 फ्लावर्स, 9 वुमेन। और यहाँ पर 9 ही फिंगर्स हैं, यहाँ पर 5 तो इस हैंड में हो गए, और फिर 1 2 3 4, 5 के बाद काउंट करेंगे 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 फिंगर्स हो गई। और हमें 9 को शो कैसे करते हैं हम लोग, इस डिजिट से हम 9 को शो करते हैं। 9 की स्पेलिंग होती है NINE9, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस किस किस की करनी है आपको, 7 की, 7 लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर ओवर राइट करना है, प्यारा प्यारा प्यारी प्यारी राइटिंग में, 7 7, उसके बाद 8 8, देन 9 9। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको 1 से लेकर और पूरा 9 तक का जो है, इन्होंने डिजिट्स दी हुई है, नंबर्स दिए हुए, आपको इसके सामने कॉपी करना है इसको। देखिए मैंने यहाँ पर 1 को कर भी रखा है, यहाँ पर 1 है, आपको सामने सामने 1 1 1 लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 2 2 पूरा आगे तक 2 लिखना है। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। तो यहाँ पर आपको 9 तक की काउंटिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट पेज पर है काउंट एंड राइट, यानी आपको काउंट करना है, गिनना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट पिक्चर में दे दिया, एलिफेंट की पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर, और एलिफेंट कितना है, 1 एलिफेंट है, यहाँ पर 1 एलिफेंट है, तो यहाँ पर इन्होंने इस स्क्वायर बॉक्स में 1 लिख दिया। इस तरीके से नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर कैट बनी हुई है, 1 2,
टू कैट्स से हम इसे काउंट करेंगे और फिर उसके बाद टू को किस तरीके से लिखते हैं आपको यहाँ पर टू लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पिकॉक है, पिकॉक्स हैं, इसे काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे हैं। तो ये सीक्वेंस में फिर भी आप काउंट करके लिखिएगा 1 2 3, यहाँ पे ये वाली काउंटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट पैरट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आएगा। फिर ये बर्ड्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट है यहाँ पर रेट्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर ये फिशेज हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिशेज हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर ये स्पैरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। और ये लास्ट में बटरफ्लाइज कितनी है, इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 लास्ट वाले बॉक्स में। बिल्कुल यहाँ पर आपकी 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग कंप्लीट होती है, लेकिन अगर हम 9 के अंदर एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर दें तो वहाँ पर कौन सी डिजिट लिखी जाएगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या यूं कहें उसको समझने के लिए, हमें पहले जानना होगा 0 को। 0 ये आप पहले भी जानते हैं लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि 0 होता क्या है। आपने इसका यूज़ तो किया है लेकिन आपको पता नहीं है कि 0 जो है वो बनता किस चीज़ से है, वो किस नंबर का नाम है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसकी हेडिंग है द नंबर 0, मतलब एक नंबर कौन सा जो 0 है। एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देयर आर 3 बर्ड्स, यहाँ हैं 3 परिंदे, लिख रहे हैं आपको 1 2 3, 3 बर्ड्स हैं, 3 परिंदे, ठीक है। वन ऑफ देम फ्लाइज अवे, उन तीनों में से एक परिंदा उड़ जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये उड़ता हुआ, यस। हाउ मैनी आर लेफ्ट बिहाइंड, अब जब एक परिंदा उड़ गया तो वहाँ पर कितने परिंदे बचे, काउंट करिए आप। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, 1 2, जब 3 बर्ड्स में से एक बर्ड उड़ गई तो वहाँ पर 2 बर्ड्स बची, कितनी बर्ड्स बची, 2। देखिए 3 में से 1 चली गई तो बची हमारे पास 2, 3 - 1 = 2। नेक्स्ट, 1 मोर फ्लाइज अवे, एक और उनमें से उड़ गई, हमारे पास 2 बर्ड्स बची थी, अब एक और उनमें से उड़ गई, ठीक। अब देखिए हमारे पास कितनी बची है, काउंट करिए मेरे साथ, यहाँ पर सिर्फ 1 बर्ड बची है, ठीक है, दूसरी वाली उड़ गई। हाउ मैनी आर लेफ्ट नाउ, अब कितनी बची हैं, हमने 2 में से एक बर्ड जो है वो और उड़ गई, तो जब हमने 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1, कि हमारे पास 1 बर्ड बची है। दिस बर्ड ऑल्सो फ्लाइज अवे, जो बर्ड बची थी हमारे पास वो भी उड़ गई, देखिए यहाँ पर जो ये एक बर्ड बची थी अब यहाँ से ये भी उड़कर चली गई। हाउ मैनी आर लेफ्ट नाउ, अब कितने बचे हैं हमारे पास, बताइए इस वाली टहनी पर, ट्री की इस वाली टहनी पर कितनी बर्ड बैठी हुई है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अब एक भी बर्ड नहीं है ना, तो जब यहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं है तो हम उसके लिए कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 बची थी, हमने यहाँ पर 2 का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ 1 बची थी, यहाँ पर 1 का इस्तेमाल कर लिया। अब जब इस ट्री पर एक भी बर्ड नहीं बची तो वहाँ पर जो कोई नहीं है यानी एक भी नहीं है, उसको हम कैसे राइट करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे शो करते हैं, वो नंबर होता है 0। दिख रहा है आपको, ये रहा 0, 0 ओ की तरह होता है गोल गोल। 1 बर्ड में से हमने 1 बर्ड जो है उड़ा दी, तो 1 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास नॉन यानी एक भी नहीं बची, वो जो ट्री है वो अब खाली हो गया, वहाँ पर एक भी नहीं है। और नॉन इज रिटन एज 0, और जो नॉन होता है यानी जो कोई नहीं होता, एक भी नंबर नहीं होता, उसको हम 0 की फॉर्म में लिखते हैं। 0 किस तरह लिखते हैं, आप सबको बनाना आता होगा, बिल्कुल ओ फॉर ऑरेंज की तरह गोल गोल लिख देते हैं, ठीक। दिस इज 0, 0 इज रीड एज 0, अभी बता रहे हैं कि जो ओ की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको किस तरह पढ़ते हैं, जेड ई आर ओ 0। इसी तरीके से जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0, 0 यानी एक भी नहीं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो है 1 रुपीस थे और आपने 1 रुपीस की चीज़ खा ली, अब आपके पास कितने बचे। जब आपने 1 रुपीस की चीज़ ली तो आपने अंकल को 1 रुपीस दे दिया, अब आपके पास एक भी नहीं बचा, तो जो एक भी नहीं है वो 0 है, ठीक। तो ये 0 है, इसको 0 बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ नीचे देखिए इन्होंने हमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अभी एक बच्चा है, एक बॉय है, इसके पास 3 बलून्स है, 1 2 3, लिख रहे हैं आपको 3 बलून्स। अब इसके जो 3 के 3 बलून्स हैं वो उड़ गए, आसमान में चले गए, तो अब इस बच्चे के पास कितने बलून्स बचे,
एक भी बलून नहीं है इसके पास, ठीक है ना? देख रहे हैं आप, इसके तीनों बलून आसमान में चले गए। अभी इसका हाथ जो है बलून से फ्री है, बलून्स नहीं है इसके हाथ में एक भी। तो थ्री थ्री में से जो थ्री के थ्री थे उड़ गए, यानी थ्री में से हमने थ्री को माइनस करा, और जब थ्री के थ्री उड़ गए तो उसके बच्चे के पास बचे जीरो बलून्स, जीरो यानी एक भी नहीं बचा उसके पास। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। अब आपको फिल करना है ब्लैंक बॉक्सेस में, कि अगर फोर है, फोर में से हम फोर को माइनस करेंगे, एक एग्जांपल दे दिए जीरो बचे, इसी तरीके से नाइन। अब देखिए आपके पास 9 रुपीज़ हैं, अब 9 में से 9 रुपीज़ की आपने चीज़ खा ली, अब आपके पास एक भी नहीं बचेगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिख देंगे आप यहाँ पर। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 7 टॉयज़ हैं, 7 के 7 टॉयज़ आपके टूट गए, तो आपके पास कितने टॉयज़ बचे, साबुत एक भी नहीं बचा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर 8 है, मान लीजिए आपके पास 8 पेंसिल्स हैं, 8 की 8 फिनिश हो गई, आपके पास कितनी बचेंगी, अब आप खुद लिखेंगे यहाँ पर जो भी आपके जहन में आंसर आएगा, ठीक। इसी तरीके से आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, आपने 6 की 6 चॉकलेट्स खा ली, कितनी बचेंगी आपके पास, ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो लिखेंगे आप। इसी तरह आपके पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट 3 है, 3 के 3 जो है वो ख़राब हो गए, फिनिश हो गए, ख़त्म हो गया, जो भी कुछ हो गया वो 3 के 3 फिनिश हो गए। इसका एक और ईजी मैथड है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 2 3, 3 लिखा है आपने, 3 ऑब्जेक्ट के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी, अब 3 के 3 ज़ाया हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, किसी भी तरीके से फिनिश हो गए, 3 के 3 फिनिश हो गए, अब आप कितने बचे, एक भी नहीं, 3 के 3 कट गए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर देखिए, उसकी हेडिंग थी द नंबर ज़ीरो, इसकी हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो, यानी ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़। अभी ज़ीरो के बारे में हमें कुछ और बातें बता रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। देखिए यहाँ पर एक ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर देखिए कोई भी नहीं है, ठीक है ना, ना कोई एनिमल है, ना कोई बर्ड है, ना कोई इंसेक्ट है, कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसी टाइम आ जाते हैं 3 रैट्स, दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 रैट्स आ रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं था यानी ज़ीरो था, कोई नहीं यानी ज़ीरो नहीं, एक भी नहीं मतलब ज़ीरो, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पर 3 रैट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 3। तो जब यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो ऑब्जेक्ट था या 0 रैट थे, मतलब एक भी रैट नहीं था, और वहाँ पर अचानक से 3 रैट आ गए, जब रैट्स आ गए तो हम उनको जब ऐड करेंगे, उनको प्लस करेंगे, तो टोटल क्या रहेगा, पहले एक भी रैट नहीं था वहाँ पर, अब 3 रैट्स आ चुके हैं, तो टोटल कितने रहेंगे, जितने आए हैं उतने ही रहेंगे, वहाँ तो था ही नहीं कोई, 3 आ गए, तो यहाँ पर टोटल होकर भी 3 रहेंगे, वो 1 2 3, ठीक। इसका मतलब हमने 0 में 3 को प्लस किया, तो वो जो हमारे पास हासिल आया, यानी जो हमारे पास आंसर आया, वो 3 ही रहा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने यहाँ पर लिखा है, रिमेम्बर व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर, जब हम जोड़ते हैं 0 को किसी नंबर में, द नंबर रिमेन्स द सेम, नंबर सेम रहता है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है, जब हम 0 को किसी नंबर, यानी हमने 3 में जोड़ा 0 को, तो नंबर जो है सेम रहेगा, यानी 3 जो है वो वही रहेगा यहाँ पर आकर भी, ठीक। एंड व्हेन वी ऐड अ नंबर टू अ 0 टू 0, और जब हम जोड़ते हैं किसी नंबर को 0 में, यहाँ पर हमने 0 को नंबर से जोड़ा, यहाँ पर नंबर को 0 से जोड़ रहे हैं, पहली वाली लाइन में हमने 0 को इस नंबर से जोड़ा है, दूसरी लाइन में हम नंबर को 0 से जोड़ रहे हैं, ठीक। द रिजल्ट इज सेम, हम चाहे 0 को 3 से जोड़ें या 3 को 0 से जोड़ें, आंसर जो है हमारा 3 ही रहना है, ठीक। चाहे हम 0 को जोड़ें, चाहे हम नंबर को जोड़ें, लेकिन अगर हम 0 से जोड़ रहे हैं, 0 आ रहा है इसके अंदर और हम ऐड कर रहे हैं, हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस, भरिए ब्लैंक बॉक्सेस में, जैसे कि इन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी दी है उसके हिसाब से इन्होंने 0 में 1 को प्लस किया तो आंसर क्या रहा, 1, और इसी तरह 1 में हम इन्होंने 0 को प्लस किया तो आंसर रहा 1। चाहे हम 0 में 1 को प्लस करें, चाहे 1 में 0 को प्लस करें, आंसर हमारा क्या रहेगा, जो नंबर है सेम नंबर रहेगा, यानी ये वाला जो नंबर है यही आंसर रहेगा, दिस नंबर इज द आंसर। इसी तरीके से हम 0 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, हमारा 2 रहेगा, और इसी तरीके से अगर हम 2 में 0 को प्लस करेंगे, जब भी हमारा आंसर रहेगा 2। आपको इसी तरह पूरा कंप्लीट करना है, 0 में 3 प्लस करना, 3 में 0 को प्लस करना, और इसी तरीके ये देखिए यहाँ पर लास्ट में इन्होंने इस तरीके से दिया है कि इन्होंने 9 में 0 को प्लस करा है, 9 में 0 को प्लस करेंगे जब भी आंसर क्या आएगा हमारा, 9, और 0 में 9 को प्लस करेंगे जब भी हमारा क्या आंसर आएगा, 9। इसको कंप्लीट करना है आपको, फिर आगे चलते हैं। 0 की एक प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस पेज पर देखी, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या है।
देयर आर थ्री एप्पल्स इन अ प्लेट। यहाँ पर जो है एक प्लेट के अंदर थ्री एप्पल्स हैं, दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, थ्री एप्पल्स हैं, ठीक। मोहन डज नॉट टेक एनी एप्पल। मोहन, ये रहा मोहन, एक बच्चा है, उसने एक भी एप्पल नहीं खाया, एक भी नहीं खाया यानी जीरो एप्पल खाया उसने, ठीक। हाउ मैनी एप्पल्स विल बी लेफ्ट इन द प्लेट। जब मोहन ने एक भी एप्पल नहीं खाया तो कितने बचे, थ्री थे, उसने एक भी नहीं खाया तो थ्री के थ्री बचेंगे ना, तो यहाँ पर थ्री के थ्री एप्पल बचे। चलिए देखते हैं, वहाँ पर थ्री एप्पल्स थे और मोहन ने एक भी एप्पल नहीं खाया यानी उसने जीरो एप्पल खाए। जब हम थ्री में से जीरो को माइनस करेंगे तो कितने एप्पल्स बचे थे लास्ट में, थ्री बचे, तो थ्री का थ्री आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू थ्री, दिख रहा है आप सबको। चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या है। When we subtract zero from a number, जब हम subtract करते हैं zero को किसी number से, the number remains the same, number जो है वो same रहता है। जैसे कि हमने किसी number में से zero को minus करा, number same रहा। And when we add a number to zero, the result is same। और जब हम किसी number को zero में जोड़ते हैं, जब भी क्या answer रहता है हमारा, same। हम थ्री को जीरो में माइनस, थ्री में से जीरो को माइनस करें प्लस करें, आंसर क्या रहेगा हमारा, थ्री ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक बॉक्सेस को। यहाँ पर टू में से जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या रहा हमारा, टू, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पर थ्री एप्पल्स थे, अगर टू एप्पल्स हैं और आपने जीरो एप्पल खाए यानी एक भी नहीं खाया, तो टू के टू उसके अंदर बकाया रहेंगे यानी बचे भी रहेंगे। इसी तरीके से थ्री में से अगर हम जीरो को माइनस करेंगे जब क्या आंसर आएगा, थ्री, ठीक। ऐसे यहाँ पर थ्री में से जीरो को माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा थ्री, ठीक। अब आगे देखते हैं, फोर माइनस जीरो इज इक्वल टू फोर, फाइव माइनस जीरो इज इक्वल टू फाइव। इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर सम की फॉर्म में दिया हुआ है, फोर माइनस जीरो इज इक्वल टू फोर, फाइव माइनस जीरो इज इक्वल टू फाइव। आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका न्यू नंबर स्टार्ट होगा, लेकिन उस नंबर को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आपका पेज नंबर 21 तक का कंप्लीट हो गया है और आपको यहाँ तक का होमवर्क करना है और होमवर्क कर मुझे चेक करवाना है, ठीक। और उसके अलावा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने नंबर्स पढ़े हैं 1 to 9 और आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है जीरो का, ठीक। 1 to 9 नंबर्स और जीरो। फिर बता दूं मैं, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी जो एक भी नंबर ना हो, ना वो वन हो, ना टू हो, ना थ्री हो, कोई सा भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हो ना, जो है वो जीरो होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी क्लास आज की फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया नंबर सीखेंगे। थैंक यू।